अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है जी DHA Phase 5। Phase 2 का मैंने आपको रिव्यू शायद दिया था। ये है सेक्टर बी Phase 5 का, और आप ये देख सकते हैं कि ये जगह बिजली यहाँ पे पहुँच चुकी है। और अगर आप समझते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है जैसे कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये इट्स अ वेरी गुड सेक्टर। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जो बड़े घर होंगे उन सब के अंदर बेसमेंट आपको मिल जाएगा। ये देख रहे हैं आप घर कि इसके अंदर बेसमेंट आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेसमेंट इसको कुदरती तौर पर मिल रहा है क्योंकि ये नीचे रोड है। बेसमेंट नीचे बनाने का फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है जब आप नीचे यहाँ से बेसमेंट बनाएंगे, ये पूरा बेसमेंट बनाएंगे और यहीं से इनकी लाइन चली जाएगी, गटर लाइन। तो बेसमेंट के अंदर प्रॉपर रूम्स बन जाएंगे बाथरूम्स के साथ। उसके अलावा आप देख सकते हैं, ये मैं आपको और जगह भी दिखाता हूँ इसके अंदर। इट्स अ वेरी गुड प्लेस। ज़्यादातर ये वैली ही की सूरत में है और कमर्शियल भी इसका अच्छा बन गया है, डेवलपमेंट इसकी बहुत अच्छी हो रही है। तो जैसे ही मैं आपको इंशाल्लाह आगे दिखाता हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो प्लीज़ लेट अस नो। अस्सलामुअलैकुम। ये है जी सेक्टर F। ये अभी बन रहा है और पोजेशन हो गया है इसमें। 8 मरले अभी पोजेशन इन्होंने नहीं दिया, वो मार्च में देंगे। और जो 5 और 10 मरले हैं उसकी पोजेशन इन्होंने अभी दे दी है। ये आप देख रहे हैं अस्करी टावर्स, जो मार्च में दिए जाएंगे। इनकी कीमत अच्छी खासी बढ़ गई है लेकिन अभी पोजेशन नहीं दिया, मार्च में देंगे। वो जो आप महल देख रहे हैं वो चौधरी का महल कहलाते हैं, वो जो जिन उनकी ज़मीनें थी उन्होंने अपने पास ही रखी हुई हैं। उसके अलावा ये सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर अब काम होगा और अपकमिंग 2 साल 3 साल इसी के हैं। ये आप देख रहे हैं जो पोल्स, वो जो बिल्कुल आगे देख रहे हैं वो इमार के रवात को रास्ता जा रहा है। और एक्सप्रेस वे जो इस्लामाबाद का होगा वो इस साइड पर है, अस्करी के बहुत पीछे जाके अस्करी का वो आएगा। ये जगह है। ये जो दरख्त आप देख रहे हैं इसके पीछे जो इलाका है ये सारा कमर्शियल का है।